हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास टेंथ पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग पावर शेयरिंग जो है वो बेल्जियम में देखेंगे कि कैसे वहाँ पे पावर शेयरिंग हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो जैसा कि बेल्जियम यूरोप का एक बहुत ही छोटा कंट्री है, जो कि एरिया में बहुत छोटा है, लगभग जो इंडिया में हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा है। और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग सबसे कनेक्ट हैं। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ है, मतलब कि लगभग हरियाणा से आधा, हाफ ऑफ दी हरियाणा। तो यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है, भले ये स्मॉल कंट्री है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ का एथनिक कंपोजिशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए देखते हैं यहाँ के एथनिक कंपोजिशन को, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे जो 59, यहाँ की जो पॉपुलेशन थी कंट्री की, ये बेल्जियम कंट्री की, तो वहाँ पे 59% जो पीपल्स थे वो डच स्पीकर्स थे, फ्लेमिश रीजन में रहते थे। और जो 40% पीपल्स थे वो फ्रेंच स्पीकर्स थे, वो वेलोनिया रीजन में रहते थे। बचे हुए जो 1% थे वो जर्मन स्पीकर्स थे, मीन्स कि यहाँ पे डच स्पीकर जो थे मेजोरिटी में थे, फ्रेंच स्पीकर माइनॉरिटी में थे, और जो जर्मन स्पीकर्स थे वो ना के बराबर थे। जबकि इनकी जो कैपिटल सिटी है वो ब्रुसेल है, तो जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल है वहाँ पे यहाँ एथनिक कंपोजिशन बहुत ही अलग है। तो वहाँ का भी एथनिक कंपोजिशन हम लोग देख लेते हैं। ये है वहाँ की कैपिटल सिटी ब्रुसेल का पॉपुलेशन। वहाँ पे 80% जो पीपल्स थे वो फ्रेंच स्पीकर्स थे, 20% डच स्पीकर्स थे, मतलब कि यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो मेजॉरिटी में हैं और डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है इन दोनों में। और ये जो फ्रेंच स्पीकर्स यहाँ पे भले ही माइनॉरिटी में हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और रिच थे, मतलब पैसे वाले थे। तो ये लोग माइनॉरिटी में होते हुए भी फ्रेंच स्पीकर जो थे वो रिच और पावरफुल थे। तो ये रहा इनका एथनिक कंपोजिशन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एकोमोडेशन कैसे आया। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो जो बेल्जियन लीडर थे, बेल्जियम के जो लीडर थे, उन्होंने बहुत ही अलग तरीका यूज किया। उन्होंने 1970 और 1993 के बीच में जो बेल्जियन लीडर था, उन्होंने अपने मतलब वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडमेंट किया, मीन्स कि उसमें 4 बार सुधार लाई। तो हम लोग देखेंगे कि 4 बार में उन्होंने क्या क्या सुधार लाए, वहाँ पे कौन कौन से रूल्स लाए गए। तो वहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स कि इसमें ये कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों तरफ से इक्वल होगा, मतलब डच कम्युनिटी के भी इक्वल मेंबर्स रहेंगे और फ्रेंच कम्युनिटी के, मीन्स कि यहाँ पे किसी में भी पार्शियलिटी नहीं किया जाएगा, दोनों तरफ से इक्वल, दोनों कम्युनिटी के इक्वल नंबर में मेंबर्स रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। और सेकंड अमेंडमेंट ये किया गया कि बहुत सारे जो पावर्स थे, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो बहुत सारे पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड किया गया, जो उस कंट्री में 2 रीजन्स के थे, वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन के, दोनों को प्रोवाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर स्टेट गवर्नमेंट में उन दोनों रीजन्स को दिया गया। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सबॉर्डिनेट नहीं करते थे। और तीसरा अमेंडमेंट ये लाया गया, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स कि ब्रुसेल वहाँ की कैपिटल सिटी है, बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल है, तो
वहाँ पे एक अलग से गवर्नमेंट लाया गया, सेपरेट गवर्नमेंट लाया गया, जिसमें दोनों कम्युनिटीज से इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब रहते थे। तो ये भी अमेंडमेंट किया गया, ये तीसरा अमेंडमेंट हुआ था। और फोर्थ एंड लास्ट अमेंडमेंट ये है, तो फोर्थ एंड लास्ट अमेंडमेंट ये किया गया कि वहाँ पे एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट लाया गया, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। इसे हमारे कंट्री में लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों की कंट्री में, इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद रीजनल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, रीजनल प्रोविंशियल गवर्नमेंट वही होता है, स्टेट गवर्नमेंट को ही कहा जाता है। फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होता है, जिसमें हम लोग के ये लोग ग्राम सभा के प्रधान आ जाते हैं, ये सब लोकल लेवल पे होते हैं। वैसे यहाँ पे भी थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट लाया गया, जिसको लोकल गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसको पावर था, सभी पावर था, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे रिगार्ड करने का उसको सारे पावर्स दिए गए थे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेल ऐसा कौन सा स्टेट है, मीन्स कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें इंडिया को छोड़ के थर्ड टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है या फिर लोकल गवर्नमेंट है और उसे क्या कहा जाता है। तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है और वो बेल्जियम में है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। आई होप आप लोग को एथनिक कंपोजिशन भी बेल्जियम का समझ में आया होगा और एकोमोडेशन भी। तो आई होप कि आप लोग के सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।